प्रश्नावली 2.3। अब देखो इसमें प्रश्नावली 2.3 का सवाल सॉल्व करेंगे। ध्यान देखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी से मैं बता रहा हूँ जो एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। उसको यहाँ पर देखना, इसका प्रश्न छठवां सवाल है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर लिखा 2π/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर 5/3 इतना हमको लाना है। तो ध्यान देना, इसको फिर से लिख दिया वैसे ही, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर लिखा 2π/3। ध्यान से देखना, यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि याद रखना आप लोग फार्मूला इसका होता है, याद रखोगे इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है 5/2, याद रखना। और वैसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 5/2 होता है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर 5/2 होता है। ध्यान देना, एक्स है तो एक्स ही है दोनों में, वो वैसे ही अगर मान लो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर भी 5/2 हो जाएगा। ध्यान देना, एक्स है तो एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए, एक साइन एक कॉस होना चाहिए, एक टेन एक कॉट, एक से एक कॉसे, तब क्या हो जाएगा 5/2 होगा। इसको ध्यान देना, इससे समझते हैं इसमें अब कैसे होगा परिवर्तन मैट्रिक्स में। देखो तो साइन इनवर्स एक्स का मान, ध्यान देना यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे, ये 5/2 वैसे रहेगा, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर ध्यान देना, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन की जगह हम लिख सकते हैं 5/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान देना, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसके जगह में हम इसको लिख सकते हैं 5/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, अब ये वाई वाला है तो इसमें आ जाना, साइन इनवर्स वाई है तो साइन इनवर्स वाई का मान निकालेंगे तो 5/2 होगा, प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा तो 5/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इससे हमें क्या लिखना 5/2 माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। एक्स और वाई भी आपको ध्यान देना है बराबर, ये क्या लिखा है 2π/3। एकदम ध्यान पूर्वक देखें वीडियो को, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर देखो ये 5/2 हो गया, ये 5/2 को फिर लिखेंगे ये प्लस 5/2 हो गया, इसको लिखना माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर यहाँ पर क्या बचा 2π/3। क्लियर है इतना? यहाँ से ध्यान देखना, दोनों का आधार समान है, दो को एक बार लिखना, एक पाई एक पाई एक, और एक कितना हो गया, ये हो गया 2π। इसको वैसे लिख देना, ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ये हो जाएगा तो चलो माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो गया 2π/3। क्लियर हो गया इतना? यहाँ से देखो चाहो इसको बटा दो, ये दो और दो कट गया, कितना बचेगा पाई, ये पाई हो गया, पाई बचा। अब मैं डायरेक्ट ना रहूं 2π/3 को इधर ले आना, तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से लिखना ये पाई है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा बराबर, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देना तो माइनस उल्टा दोनों क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस इनवर्स एक्स, ये भी माइनस उल्टा प्लस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे नीचे में लिख सकते हैं, तिरक लगा करेंगे, ये हो जाएगा 3π माइनस 2π पूरे का बटा 3, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। सॉल्व करेंगे 3 में से तो गया 1, तो कितना आ गया 5/3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अतः तक इसको लास्ट में लिख लेना, अतः ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना हो गया 5/3। ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या आ गया 5/3, मतलब हम जो बनाए हैं वो सही है। यहाँ पर लिख देना रूल दैट, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ध्यान पूर्वक देखे वीडियो को, बहुत आसानी समझ में आएगा। यदि आपको गणित में बेहतर रिजल्ट लाना है, अच्छे अंक अर्जित करने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइए। धन्यवाद।